बच्चों, हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन। मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आज हम सेक्शन सी और सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है 28 नंबर का, जो 3 मार्क्स का है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0.5 ग्राम केसीएल मोलर मास गिवन है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, अज्यूमिंग केसीएल इज 92% आयोनाइज। केएफ दे रखा है, क्योंकि इसमें 92% आयोनाइज हुए, इसलिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा। तो हम सबसे पहले 92% आयोनाइज है, ठीक है ना, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 92% है, इससे हम आई निकालेंगे और फिर आई को निकाल कर हम इसकी बजाय इस फॉर्मूले में रखेंगे। ये एम का हमने यहाँ पर मोलैलिटी की वैल्यू रख दिया और ये ज़्यादा आसान तरीका है क्वेश्चन करने का। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ रख लिया, हमें फॉर्मूला लिखने से आधा नंबर मिल जाएगा इसमें। और फिर हमने क्या किया, इसमें यहाँ 92% रख दिया, ठीक है ना। आई की वैल्यू हमें निकालनी है, के सी एल बच्चे जानते हैं टूटेगा तो एक पोटेशियम और एक क्लोराइड आयन देगा, इसलिए टोटल एम की वैल्यू 2 हो जाएगी और 92% और 100। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.92 आएगा। तो हमें अल्फा की वैल्यू, आई की वैल्यू मिल गई है 1.92, ठीक है ना। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। तो हम रखते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू और हमने आई की जगह बच्चों पुट किया 1.92। केएफ की वैल्यू इसमें दे रखी है, ठीक है ना, केएफ की वैल्यू इसमें दे रखी है, तो हम उसको उसकी जगह पर पुट कर देंगे। और केएफ की वैल्यू जनरली होती है 1.86 वाटर के लिए, तो हमने 1.86 केएफ की वैल्यू रख दी। डब्ल्यू भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 0.5 ग्राम है, तो हमने डब्ल्यू बी की भी वैल्यू रख दी 0.5 ग्राम, ठीक है ना। 1000 की जगह हम कुछ कर नहीं सकते, मोलर मास हमें इसका दे रखा है 74.5 ग्राम, ठीक है ना, और डब्ल्यू ए यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट है जो दे रखा है 100। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.24 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू मिल गई है 0.24, ठीक है ना, इक्वल टू वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है माइनस टीएस, हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। जब हम इसको निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.24, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 24 हो जाएगा। हमें आधा नंबर इस फॉर्मूले का मिलेगा, आधा नंबर इसका और आधा नंबर 0.192 का, 1.5 मार्क्स मिल गए। अब आधा नंबर हमें ये फॉर्मूला लिखने का मिलेगा, आधा नंबर ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करने का और 24 तक लाने का, और आधा नंबर हमें 20.-2.4 लाने का मिलेगा। इस तरह हमें इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। हम चलेंगे अब 29 क्वेश्चन, हम चलते हैं 29 की तरफ। 29 में हमें ये डेटा टेबल गिवन है और ए का कंसंट्रेशन और बी के डिफरेंट कंसंट्रेशन पर रेट दी हुई है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमें ए का वेरिएबल पावर एन नहीं पता और बी की पावर भी नहीं पता, तो हम दो दो वेरिएबल एक साथ निकाल नहीं सकते। तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, बी की ऐसी दो कंसंट्रेशन की वैल्यू सेलेक्ट की जिसमें इसका कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है ना। अब रेट पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो ए के रेस्पेक्ट में पड़ेगा। तो अब इसके दो तरीके हैं, एक थियोरेटिकल जो कॉम्पिटेटिव में काम आता है और एक पेपर पे करना। तो देखो 0.1 से कंसंट्रेशन 0.2 किया, मतलब डबल किया, तो रेट भी देखो आप डबल हो गई, 0.05 से 10 हो गई। तो रेट कंसंट्रेशन डबल करने पर अगर रेट डबल हो जाए तो वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है। अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पुट किया तो आप देख सकते हैं, हमने 0.05 पुट किया के सेम रहेगा, 0.1 पॉइंट वाई वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना,
बाई वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, दोनों को किया, तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 2 की पावर x, और जब हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 times हो जाए तो सेकेंड ऑर्डर, और अगर 8 times हो जाए तो थर्ड ऑर्डर, जनरली ये 3 याद। अब हमें तो हमें ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पता लग गया है 1। अब हम बी के रेस्पेक्ट में जब ऑर्डर निकालेंगे तो ऐसी 2 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, और अगर ऐसा नहीं भी हो तो चलेगा क्योंकि हमने एक वेरिएबल निकाल लिया है। तो अपर आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड में ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, देख जिससे आपको समझ नहीं। अब देखो आप, अब हमने क्या किया, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.2 कर दिया, मतलब डबल कर दिया। पर बच्चों रेट पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाएगा, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूं। तो अब हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो 0. अब ये 0 हो गया तो y की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और b के रेस्पेक्ट में 0 है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि आप इसकी हाफ लाइफ भी निकालो। तो मैं आपको, अब हमें इसकी हाफ लाइफ भी निकालनी है, तो आप देख सकते हैं हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला। पर हमें इसके लिए k चाहिए, तो k निकालने के लिए फॉर्मूला होगा रेट इज इक्वल टू k और a की पावर 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन फिलअप कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इस जगह पर रख दिया कितना, 0.1, कॉन्सेंट्रेशन की जगह रख दिया 0.1, ठीक है। और रेट कितनी थी, यहां पर रेट थी 0.05, तो रेट की जगह हमने रख दिया 0.05। इन सबको डिवाइड किया तो आप सब जानते हैं क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इक्वल टू 0.5। तो हमें k पता लग गया, k की वैल्यू कितनी आई, 0.5। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में k की जगह 0.5 रख दिया और डिवाइड किया, तो हमें हाफ लाइफ मिल गई 1.386। तो हमारा 29 का a पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद और पार्ट को डिस्कस करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं 29 का और पार्ट। इसमें एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जो 50% 50 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, और तब टेम्परेचर कितना था, 300 के, वही रिएक्शन फिर 50% कंप्लीट होती है, पर अब 25 मिनट होती है 350 डिग्री पर। आप कहता है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। अब बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2.303 डिवाइड टू ए 2.303 RT फॉर्मूला। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा भी देता, तो ए का ए निकालने का फॉर्मूला ये होता है, पर हमें इसमें K2 और K1 चाहिए जो हम हाफ लाइफ के 50% डेटा से निकालेंगे, पर हमें 2 निकालने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमने इस फॉर्मूले को लिया और सबसे पहले 300 डिग्री टेम्परेचर पर पुट कर दिया। जब हमने 300 टेम्परेचर डिग्री पर पुट किया तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, हमने यहाँ तो ले लिया इसको K1, क्या लिया K1, ठीक है, और पॉइंट ये तो चेंज होगा और हाफ लाइफ की जगह फर्स्ट हाफ लाइफ रख दी 50 मिनट, और इसका टेम्परेचर कितना था, इसका टेम्परेचर था 300 केल्विन टेम्परेचर। फिर हमने इसी इक्वेशन को फिर से यूज किया, लेकिन अब हम K2 निकालेंगे, तो देखना K2 निकालेंगे तो क्या होगा। अब हमने जब K2 निकाला तो 350 डिग्री पर
रिएक्शन 25 मिनट में ही कंप्लीट हो गई, 25 में ही कंप्लीट हो गई, तो अब 50 की जगह 25 पुट कर दिया और यहाँ टेम्परेचर कितना कर दिया 350। अब हमने दोनों को क्या किया, डिवाइड कर लिया दोनों को। जब हम आप देख सकते हैं डिवाइड करेंगे तो हमें K2 और K1 का रेशियो 2 मिल जाएगा। K2 और K1 का रेशियो कितना मिल जाएगा, 2, जिसको हम इसकी जगह रखते हैं। तो हम रखकर आपको दिखाते हैं। तो हमने लॉग K2 और K1 की जगह 2 रखेंगे, ये हमें निकालनी है। T2 हो जाएगा 350 डिग्री केल्विन, T1 हो जाएगा 300, ऐसे ही नीचे T1 की वैल्यू 300 और T2 की वैल्यू 350। तो हमने लॉग K2 और K1 की जगह 2 रख दिया, ये हमको निकालना है। 2.303 8.314 आर की वैल्यू रख ली, अब इससे ये जूल में आएगी। अगर कैलोरी में निकालना होता तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 रखते, ठीक है ना। 350 रख दिया, 300 और इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमें ये 12104 जूल आएगी, जिसको क्लोज जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ गई, 12.104। हम चलेंगे अब 30 क्वेश्चन, हम चलते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। इसका ए पार्ट कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोएगुलेशन ऑफ AgI Ag Sol। अब बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे इस पे चार्ज कौन सा है। तो AgI का कॉमन आयन कौन है, Ag+, और क्योंकि Ag+ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस कोलाइडल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज वाले कोलाइड के लिए वो सबसे अच्छा कोएगुलेटिंग एजेंट होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो Cl पर -1 होगा, सल्फेट पर -2 होगा, और K4 एफिशिएंट 6 पर -4 चार्ज होगा। इसलिए इसमें सबसे अच्छा कोएगुलेटिंग एजेंट कौन होगा, इसका सबसे अच्छा कोएगुलेटिंग एजेंट K4 एफिशिएंट 6 होगा। क्यों, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज -4 है। अगर यहाँ Ag की जगह वो I लेता तो I कॉमन हो जाता और तब सबसे अच्छा Mg+2 होता, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। What happen when a freshly precipitated ferric hydroxide is shaken with little amount of dilute FeCl3? इस क्वेश्चन को देखकर हमने पता लगाया कि ये पेप्टाइजेशन का क्वेश्चन है। पेप्टाइजेशन का क्वेश्चन है तो जब हम किसी प्रेसिपिटेट में कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो कोलाइडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो FeOH FeCl3 में से रिएक्ट करके पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्ट इनटू कोलाइडल स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe+3 आयंस। और अच्छा आंसर अगर आपको दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, Fe ब्रैकेट में OH ब्रैकेट क्लोज्ड और यहाँ 3 लिखा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पर कौन सा आयन आ जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पर बच्चों Fe+3 आयंस का एडजॉर्प्शन दिखा देंगे, ठीक है, इसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। अब हम इसके चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। आउट ऑफ सल्फर एंड प्रोटीन विच वन फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रो का मीन्स होता है लार्ज, और लार्ज इनमें से कौन सा है, प्रोटीन। तो प्रोटीन मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बनाता है, और सल्फर और फास्फोरस मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स बनाते हैं। तो सी का आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अब हम चलेंगे 31। तो देखते हैं 31 का ए पार्ट। मॉइस्ट SO2 डिक्लोराइज KMnO4 सॉल्यूशन। अब हमें बताना है क्यों KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, जो हाईएस्ट है Mn की, इसलिए Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा और SO2 हमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट
ठीक है ना, एंड इट रिड्यूस MnO4 - 2 Mn + 2। हम चलेंगे इसके बी पार्ट। 31 का बी पार्ट है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन की वजह से, एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है ना। उसका रीज़न क्या है कि XX की जो बॉन्ड एनर्जी इंटर हैलोजन में होती है वो XX बॉन्ड से कम होती है, मतलब CLI की बॉन्ड एनर्जी Cl2 से कम होगी, इसलिए इंटर हैलोजन कंपाउंड जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉन्ड एनर्जी हैलोजन के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ की। ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर तो ये है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत हाई होती है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसकी दूसरा आंसर यह है कि जब हम ओजोन को ब्रेक करते हैं तो ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एटम। यह ऑक्सीजन का एटम रिलीज करता है जो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी ये प्लस ओ। तो जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है और नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब हम चलेंगे 32 क्वेश्चन की तरफ। हमने 32 क्वेश्चन को पढ़ा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपेन वन ऑल ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। हमें इसकी मैकेनिज्म लिखनी। अब बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर अल्कोहल के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है और शायद 12th में एक ही रिएक्शन है जिसका तुम्हें टेम्परेचर 100% याद होना चाहिए कि अगर ये टेम्परेचर 413 केल्विन हुआ तो इथर बनेगी, और अगर ये टेम्परेचर 443 केल्विन से ज़्यादा हुआ या 443 केल्विन हुआ तो फिर इसमें इथर बनेगी। और इथर कैसे बनती है मैं आपको मैकेनिज्म में दिखाता हूँ। सबसे पहले H2SO4 का H जाएगा जो OH से अटैक करेगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा, ठीक है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब अगर टेम्परेचर 443 हुआ तो ये सबसे पहले यहाँ से डिकम्पोज होकर कार्बोकेटाइन बनाएगा और फिर एल्कीन बन जाएगी, पर क्योंकि टेम्परेचर 413 केल्विन है इसलिए इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर ये अल्कोहल वापस से अटैक करेगा, ठीक है ना। अटैक करके ये H2O ये वाला तो निकल जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा जो इस ऑक्सीजन से अटैच होकर ये प्रोटोनेटेड इथर बनाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड इथर और इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड इथर में से एक H+ रिलीज हो जाएगा और ये वाला H रिलीज हो जाएगा तो हमको मिल जाएगी इथर। अब कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब इथर बनती है तो सिर्फ ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, लेकिन अगर एल्कीन बनती और वो पूछता कौन सा हाइड्रोजन जाएगा तो एलिमिनेशन में एल्कीन फॉर्मेशन में बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है जबकि इथर के फॉर्मेशन में सिर्फ हाइड्रोजन जाता है जो ना अल्फा होता है ना ही बीटा। तो हम चलेंगे इसके बाद 33। हम चलते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इथेनॉल एल्डिहाइड प्रोपेनॉन कीटोन। तो अब हमें ऐसा टेस्ट बताना है जो सिर्फ या तो कीटोन दे या फिर एथेनॉल दे। तो एल्डिहाइड का एक कॉमन टेस्ट है और वो कॉमन टेस्ट कौन सा होता है, वो होता है टॉलेंस और फैलिंग्स। एथेनॉल टॉलेंस टेस्ट देगा, प्रोपेनॉन नहीं देगा। एथेनॉल फैलिंग टेस्ट देगा, प्रोपेनॉन नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं ये टेस्ट कि एथेनॉल इसके साथ ब्लाइट मिलर सिल्वर मिरर टेस्ट देगा और
ये नहीं देगा, ऐसे ही फाइलिंग टेस्ट देगा ये नहीं देगा। आप चाहो तो सपोर्ट में रिएक्शन भी लिख सकते हो, जिससे आपके मार्क्स कटने के चांस नहीं हो। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। पेंटेन टू ऑन और पेंटेन थ्री ऑन में डिफरेंस करना है। ये एनसीईआरटी के एल्डिहाइड चैप्टर से लिया हुआ है और इसके आने के 2020 में काफी चांस है। पेंटेन टू ऑन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और आइडोफॉर्म की अच्छी कहानी ये है, एथेनॉल, एथेनल, टू ऑन और टू ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो पेंटेन टू ऑन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और पेंटेन थ्री ऑन नहीं देगा। तो पेंटेन टू ऑन येलो प्रेसिपिटेट देगा और पेंटेन थ्री ऑन नहीं देगा। आप इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं, बाकी इतना भी सफिशेंट है। सीबीएसई सिर्फ लिखने पर भी मार्क्स देती है। हम चलते हैं इसके बी पार्ट, तो हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट और बी पार्ट को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमारे पास है बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3-4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड और 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डोनर ग्रुप एसिडिक नेचर को कम कर देता है, तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये डोनर है इसलिए ये एसिडिक नेचर को कम कर देगा, और नाइट्रो ग्रुप एसिडिक नेचर को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। या बच्चों को ये याद ही होना चाहिए, मोर नाइट्रो मोर एसिडिक इन नेचर। तो बच्चों इसमें कितने नाइट्रो ग्रुप हैं, इसमें हैं 2 नाइट्रो ग्रुप, तो ये मोस्ट एसिडिक होगा। उसके बाद ये होगा, फिर बेंजोइक एसिड में ना तो डोनर है और ना ही एक्सेप्टर है, इसलिए थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और ऑर्थो 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब पैरा वाला लीस्ट एसिडिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सबसे ज्यादा 3-4 डाई नाइट्रो, फिर 4 नाइट्रो, फिर बेंजोइक एसिड और 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे 33 का, और 33 के नेक्स्ट पार्ट में कहता है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एथेनॉल टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड राइट द क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एथेनॉल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बच्चे को आना ही चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है मोस्ट रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटाइल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, मतलब जितने ज्यादा कार्बन उतना लेस रिएक्टिव, फिर सारे एल्डिहाइडों के बाद एसीटोन, मतलब दोनों एल्काइल ग्रुपों, फिर एक बेंजीन रिंग और एल्काइल वाला, और सबसे बाद में बेंजोफिनोन, मतलब 2 बेंजीन रिंग वाला। तो बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होगा एथेनॉल के कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में स्टेरिक फैक्टर भी काम करता है इसलिए। और फिर हम पढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल, तो क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन आपको, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को या पोलैरिटी को कौन कम कर देता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और यह एनसीईआरटी की सॉल्व प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं एल्डोल, एल्डोल के लिए एक एल्डिहाइड के पास या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा, जाकर इस ओ से अटैच हो जाएगा, तो ये तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी CH2CHO पार्ट इससे अटैच हो जाएगा। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके बीटा एलिमिनेशन से हमें ये सिनेमा एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट, ये क्वेश्चन लेटेस्ट अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी बच्चों से पूछा गया। तो ये बन गया हमारा सिनेमा एल्डिहाइड। हम देखते हैं 34 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो है डिफाइन द राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग, इनको डिफाइन करो और इनके एग्जाम्पल भी लिखो। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन होती है सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आर टू टाइप्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ओनली क्योर सर्टेन डिजीज,
बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्योर मैनी डिजीज साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही दवाई कई सारी बीमारियों के काम आती है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हमको लिखनी पड़ेगी और इसकी डेफिनेशन ये होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विच किल और इनिबिट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरोएम्फेनिकॉल, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में वो कहता है हमसे एनाल्जेसिक क्या होती है। एनाल्जेसिक आर दोज सब्सटेंस विच रिलीफ फ्रॉम पेन, जो हमें दर्द से राहत दिलाए उसको हम एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक की डेफिनेशन हुई रिड्यूस और एबलिश द पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट कंसेशनल मेंटल कंफ्यूजन इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस ऑफ सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इसकी बजाय आप सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जो पेन को रिड्यूस करे विदाउट साइड इफेक्ट इज कॉल्ड एनाल्जेसिक। और इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एस्प्रिन, ठीक है ना। एस्प्रिन का आयुपिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। एस्प्रिन के आयुपिक नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड और दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल, याद नहीं आ रहा। तो इसका नाम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये एंटी एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटी पायरेटिक भी है। तो ये एवरीडे का क्वेश्चन भी है कि कौन सी मेडिसिन एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों का काम करती है। एस्प्रिन का आयुपिक नेम दूसरा एक होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड और दूसरा होता है पैरा एसिटॉक्सिन बेंजोइक एसिड। एसिटॉक्सिन बेंजोइक एसिड इज ए करेक्ट आयुपिक नेम बट एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड इज एक्सेप्टेड आयुपिक नेम। हम चलते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया हुआ और हमें इसमें इसका ईएमएफ गिवन है। इसमें हमें आयरन नस्ट इक्वेशन लगेगी, एफई का कंसंट्रेशन दिया और हमको वो एच प्लस का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। इसमें हमें आयरन के एनोड की वैल्यू गिवन है और सेल का पोटेंशियल 0.17 हमको ऑलरेडी दिया हुआ। ओके, तो इसका जो ई नॉट होगा वो प्लस 0.44 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन का कैथोड है और इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो में से माइनस माइनस प्लस, तो 0.44 हो जाएगा। तो इसका ई नॉट सेल हो जाएगा 0.44। अब हमें यूज करनी पड़ेगी नस्ट इक्वेशन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका ई नॉट सेल निकाल लिया जो प्लस 44 आया और फिर हमने नस्ट इक्वेशन का यूज किया। ये नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए हमने बनाया बैलेंस है, दो दो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाते हैं और रिएक्टेंट नीचे और उसमें से सॉलिड को छोड़ दिया जाता है। तो ये आयरन सॉलिड था तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और H2 गैस दे रखी है जिसका प्रेशर 1 atm दे रखा है, तो हमने इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमने इन दोनों को लिखा तो आप देख सकते हैं आयरन प्रोडक्ट है इसलिए ऊपर आ जाएगा, पर प्रोडक्ट तभी ऊपर लिखते हैं जब ये साइन नेगेटिव हो, ठीक है। और H प्लस का स्क्वायर लगा दिया NF। अब हमने E सेल की जगह पर ये वैल्यू रख दी, E सेल की जगह पर, और E नॉट की जगह पर 0.44 रख दिया। जब हमने 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखी तो ये वैल्यू आती है। तो आप इसको याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, आपको इसके चक्कर में पढ़ना नहीं पड़े। अब आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 हो गई और हाइड्रोजन की प्लस से 0 हो गई, तो कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आया। आयरन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखा है, हमने इसको सॉल्व किया तो हमें log x बराबर -5 आ गया, ठीक है ना। अब हमें H प्लस निकालना है, H प्लस निकालना है तो हमें इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एंटीलॉग लेना पड़ेगा तो -5 का एंटीलॉग इसने इसमें 5 दिया पर ये 6 है, ठीक है ना। तो आप इस एंटीलॉग को 6 कर लेना क्योंकि माइनस का एंटीलॉग ले नहीं सकते, माइनस का एंटीलॉग ले नहीं सकते तो इस माइनस में एक प्लस करेंगे और एक में तो नहीं, इतना ही सही आंसर, फिर वो पावर कम हो जाएगी। तो इसका आंसर 10.-5 ही आ जाएगा।
हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमने एक एम्पेयर का करंट 10 मिनट तक कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट से पास किया, तो क्या दोनों का सेम वेट डिपॉजिट होगा? ठीक है ना, सेम वेट डिपॉजिट होगा। तो हम इसमें फैराडे लॉ भी लगा सकते हैं सेकंड, और अलग अलग फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ कहता है वेट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं इससे, और ये बैलेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि एजी की बैलेंसी है प्लस वन और कॉपर की बैलेंसी है प्लस टू, तो कॉपर का कम वेट डिपॉजिट होगा और एजी का वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा, तो दोनों का सेम वेट डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मूले को रखकर ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। ठीक है ना, कैसे करेंगे, यहां पर एटॉमिक वेट की जगह जैसे सिल्वर का वेट निकालें तो ये 108 हो जाएगा। एम्पियर कितना है, एक एम्पियर का करंट तो 1 रख देंगे। टाइम इसमें 10 मिनट रखा हुआ है तो 10 इंटू 60 मिनट करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में टाइम हम हमेशा सेकेंड में ही रखते हैं, और एजी की वैलेंसी 1 हो जाएगी। और जब हम इसी फॉर्मूले से कॉपर का वेट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं सब कुछ सेम आएगा, बस ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप वेट निकाल कर जस्टिफाई भी कर सकते हैं या लिखने से भी काम चल जाएगा। ये फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखें क्या निकालने को कह रहा है, उसका फॉर्मूला लिख लें और फिर जो जो चीज़ मिसिंग हो उनको लिखते जाएं। ठीक है ना, तो हमें निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें इसकी मोलैरिटी गिवन है और इसकी कंडक्टिविटी गिवन। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है, कौन सा, ये वाला। अब इसने हमें दो चीजें चाहिए, एक तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस और एक जीरो पर। तो जीरो पर निकालने के लिए हमने क्या किया, कैटायन और आयन की आयोनिक मोबिलिटी को आपस में ऐड कर दिया, तो एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस 390 आ गई। अब हमने कोलराउस का ये फॉर्मूला लिया, कोलराउस का नहीं, सिंपल वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिया। यहाँ पे हमें कप्पा गिवन है 8 × 10⁻⁵ एज इट इज आएगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रख दिया। डिवाइड करने के बाद इसकी सी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस 33.33 आ गई। हमने 33 को ऊपर रखा, 390 को नीचे रखा और डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमें इसका आंसर इतना मिला। ठीक है ना, और ये इसके स्टेप वाइज मार्किंग भी दी हुई है, इसको परसेंटेज हटाने में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। हमारे पास दो सॉल्यूशन है जिन दोनों को ही हमने इलेक्ट्रोलाइट किया, डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने पर वो क्या कहता है कि जो बी की मोलर कंडक्टिविटी है वो थोड़े से ही एक्सटेंट में बढ़ी, जबकि ए की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या उसकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में बढ़ गई। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है? तो बच्चों, जब डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू एप्रिशिएबल इंक्रीज होती है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि डाइल्यूट करने पर उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पहले से ही 100% टूटा हुआ होता है, तो डाइल्यूट करने से उसकी वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आता है। तो हमें पता लगा कि बी की थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए बी एक, ठीक है ना, बी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आप देख सकते हैं बी का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बी इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से बहुत ज़्यादा चेंज होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग की थोड़ी सी।
हम चलेंगे 36 की तरफ। तो हम करते हैं 36 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिकुलर फॉर्मूला, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन है जिसमें नाइट्रोजन गिवन है और यहाँ पर लिखा है Br2KOH। इसको देखकर हमने इसको पकड़ा कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से एमाइड से एनिलीन बन जाती है। आगे हम चले तो उसने कहा कि जब बी की रिएक्शन हमने आगे करी तो इसको देखकर हमने इसको पकड़ा कि ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से N2Cl बन जाता है। तो जो सी ग्रुप होगा उसमें N2Cl लग जाएगा। अब ये कहता है कंपाउंड सी, मतलब डायोजिनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हमने एथेनॉल से कराई तो हाइड्रोकार्बन डी बन गया। इसका कंसेप्ट ये है कि डायोजिनियम क्लोराइड फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉर्मिक एसिड या एथेनॉल के साथ हीट करने पर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये वापस बी पर आया क्योंकि बी पर एमीन थी कि एमीन की रिएक्शन जब हमने Br2 से कराई ब्रोमीन वाटर से तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो जो ब्रोमीन वाटर है वो तीन जगह पर Br जोड़ देता है, ठीक है ना। तो हम इसकी लिखते हैं रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं आपके पास इक्वेशन है। सबसे पहले हमने एमाइड की रिएक्शन Br2 और KOH से कराई तो CONH2 की जगह पर NH2 ग्रुप आ गया जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता है। फिर हमने इस NH2 की कपले डाइजोटाइजेशन करी तो N2Cl लग गया और जब N2Cl की रिएक्शन एथेनॉल के साथ में कराई यहाँ पर H3PO2 भी हो सकता था और फॉर्मिक एसिड भी हो सकता था तो हमें बेंजीन मिल गई। दूसरी तरफ B की रिएक्शन Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ कराने पर हमें तीन Br ग्रुप लग गए। अगर यह ब्रोमीन वाटर के साथ में CH2 या एसिटिक एसिड होता तो फिर हमको सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी ऑन फॉलोइंग कंपाउंड। तो जब हम साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बन जाएगा और एमाइड की रिएक्शन जब NaOH और Br2 से करेंगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएंगे ये। तो फर्स्ट ए प्रोडक्ट तो CONH2 लग जाएगा क्योंकि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है और जब इस एमाइड की हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करेंगे तो फिर हमें लग जाएगा NH2। हम चलते हैं नई रिएक्शन। जब हमने इसकी रिएक्शन KCN से करी तो Br हटकर CN लग जाएगा और CN का रिडक्शन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो हमें CH2NH2 मिल जाएगा, मतलब तीन कार्बन वाली अमीन मिल जाएगी। और जब इस अमीन की रिएक्शन हम HNO2 और से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। HNO2 के साथ में एरोमेटिक अमीन जो होती है वो डायजोटाइजेशन देती है लेकिन एलिफेटिक अमीन OH लगा देती है। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ ओवरऑल रिएक्शन में। पहले यहाँ पर CN लगा, फिर CN का रिडक्शन करने से CH2NH2 बन गया और HNO2 ने इस NH2 की जगह पर OH लगा दिया। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी, जब हम क्रोमाइड ओर की रिएक्शन KOH सोडियम कार्बोनेट या KOH के साथ फ्री एयर में करते हैं तो येलो सॉल्यूशन का कंपाउंड बनता है। यहाँ से हमने पकड़ा कि एक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन की कहानी है और बी हमारा पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। जब हम इस पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो हमें सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा जो येलो कलर का कंपाउंड है। और जब इस सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl से कराएंगे तो K सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए K सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो फाइनली ये कहाँ की रिएक्शन हुई, ये हुई पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन और ये हमको देगा 5 नंबर बोर्ड में। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ फॉलोइंग वेरिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है ना। ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिनाइड एज कंपेयर टू लेंथेनाइड। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है कि लेंथेनाइड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनाइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हायर होती है।
और क्यों होती है? क्योंकि लैंथेनाइड का 4F एटम में अंदर धसा हुआ होता है 5F के कंपैरिजन, तो 4F से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए लैंथेनाइड कम ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है जबकि एक्टिनाइड ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। ग्रेटर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एज कंपेयर टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें वो कहता है एक्टिनाइड का साइज लैंथेनाइड के साइज से छोटा क्यों होता है? क्योंकि एक्टिनाइड में 4F और 5F के मिलाकर टोटल 28 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिनकी शील्डिंग पावर बहुत ही पुअर होती है, जिससे वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट, एक्टिनाइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लैंथेनाइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम क्यों होती है? और उसका रीजन मैं अभी अभी आपको बता के चुका हूं कि लैंथेनाइड के 4F की पेनिट्रेशन पावर एक्टिनाइड के 5F की पेनिट्रेशन पावर से बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है F ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की। तो आप देख सकते हैं इन तीनों के आंसर कि फर्स्ट का आंसर एक्टिनाइड में ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होती है क्योंकि इन सब की एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, एक्टिनाइड का साइज छोटा होता है क्योंकि 5F की शील्डिंग पावर और पुअर होती है, और लैंथेनाइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है क्योंकि 4F की पेनिट्रेशन पावर 5F की तो लैंथेनाइड का आईपी एक्टिनाइड की आईपी से ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम चलते हैं लास्ट, बहुत रिलेटेबल, मैग्नेट आयन को जब हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो इसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मीन्स होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो बच्चों आपको यह इक्वेशन याद ही करनी पड़ेगी, इसका और कोई इलाज नहीं। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप देख सकते हैं Mn प्लस 6 ऑक्सीडेशन नंबर से प्लस 7 और प्लस 4 में कन्वर्ट हो गया। जब हमने लैंथेनम की रिएक्शन सल्फर से कराई, लैंथेनम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है और सल्फर की 2, तो लैंथेनम 2 हो जाएगा और सल्फर 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है कि कॉपर प्लस 2 से जब कॉपर में कन्वर्ट होता है तो इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। उसका रीजन क्या होता है कि कॉपर की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत बहुत ज़्यादा होती है और उसके कंपैरेटिवली हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी में एनर्जी निकलती है मतलब नेगेटिव, और एटोमाइजेशन में देनी पड़ती है तो पॉजिटिव, तो ओवरऑल ट्रेंड ये पॉजिटिव हो जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि क्रोमियम प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है जबकि Mn प्लस 3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका सिंपल सा आंसर है क्रोमियम की प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, इसलिए क्रोमियम प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्रोमियम प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि Mn की प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है इसलिए मैंगनीज एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये क्यों है? एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, क्रोमियम की 6 है और वैनेडियम की प्लस 5 है, इसलिए Mn सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, या Mn प्लस 2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्रोमियम प्लस 3 ज़्यादा स्टेबल होती है और वैनेडियम की प्लस 5 या प्लस 4 ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए वैनेडियम लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने इसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट साथ साथ बता क्वेश्चन के अलावा भी बताने की कोशिश करी है, और अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ आऊँगा। आपको अगर 100% मार्क्स केमिस्ट्री में चाहिए तो केमिस्ट्री बाय यूट्यूब चैनल देखते रहे। स्टॉप।